हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, यूनिवर्सिटी से फ्री होकर हमने प्लान किया कि आज इफ्तारी करने दामने को जाते हैं। तो काफ़ी दिनों से हम हॉस्टल में इफ्तारी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बोर भी हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा थकने के बाद हमने इंडल्ज कराई और निकल गए दामने को की तरफ। ये आप देख रहे होंगे दामने को, उफ, तो मौसम बहुत अच्छा था, ऊपर से ड्राइव, उफ, वो मज़ा आ रहा था। सो गाइस, अभी डूब भी थी क्योंकि अभी इफ्तारी में टाइम था और हम पहले चले गए थे क्योंकि हमने जाके अभी जगह भी ढूंढनी थी कि कहाँ जाके बैठे, इसलिए वैसे हमने सोचा हुआ था हमने कहाँ जाके बैठना है। तो काफी सफर किया हमने और दामने को से आगे हमने सोचा कि तलहार जाते हैं। शायद किसी को पता हो कि दामने को से आगे तलहार वैली रहती है, ये बहुत खूबसूरत वैली है, ये आप देख सकते हैं। वैसे हम यहाँ से हमने टर्न ले लिया क्योंकि आगे बहुत दूर जाता है और यहाँ आगे बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। इंशाल्लाह मैं अगर नेक्स्ट टाइम गई तो मैं वहां जरूर एक व्लॉग बनाऊंगी। तो टाइम भी होने वाला था तो फिर जल्दी से हमें ये जगह ढूंढी, ये तलहार के बिल्कुल पास पास ही थी, ये बहुत प्यारी जगह थी। हमने बिल्कुल इसके टोर पर बैठे तो खाना शाना खा के फ्री होके फिर हमने सोचा वापस चलते हैं। खैर मैंने आपको खाना तो नहीं आज दिखाया, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जरूर दिखाऊंगी जब मैं अगर आइंदा तारीख करने गई यहाँ तो इंशाल्लाह, क्योंकि सब जल्दी जल्दी में था और नमाज का टाइम भी हो रहा था, तरावियां भी पढ़नी थी, तो इसलिए सोचा कि चलो जल्दी से कर लेते, इसलिए व्लॉग थोड़ा सा छोटा है, लेकिन फिर भी मैं सोचा ये मोमेंट भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो वहां से फ्री होके फिर हम वापस इस्लामाबाद की तरफ आने लगे। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है रात को इस्लामाबाद, स्पेशली जब स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो बहुत बहुत खूबसूरत रहता है। इंशाल्लाह किसी दिन आपको हर एक एक चीज दिखाऊंगी यहाँ से, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बताया कि अब जल्दी भी थी और नमाज का टाइम भी हो रहा था तो इसलिए भी, लेकिन आप देख सकते हैं कि लाइटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है रात को। गाइस, वो रश बहुत ज्यादा था क्योंकि हर कोई इफ्तारी करने आया हुआ था। आप कमेंट देखे हमें जरूर बताइएगा अगर आप में से कोई भी इफ्तारी करने दामने को आया हो घर से सामान तैयार करके, तो हम भी इसी तरह आए थे। लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि अगर कभी भी आओ तो तलहार जरूर जाओ, तलहार वाली बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह कभी आपको उसका लादा से मैं टूर वूर कराऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं कहती हूँ जब भी आओ तलहार लाजमी आओ। तो काफी ज्यादा सफर तय करने के बाद जब हम बिल्कुल थक थक गए थे तो हमने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, तो चाय के लिए हम यहाँ आ गए। चाय पी कर फिर हम वापिस हॉस्टल आए और हमने सोचा कुछ रात के लिए भी सामान उठा लेते हैं। तो पहले हमने ये अपने पॉपकॉर्न दिए और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक ली और फिर सोचा कि चलो कोकोमोन भी ले लेते हैं, तो फिर कोकोमोन लिए और फिर पेमेंट करके वापिस हॉस्टल आ गए। अल्लाह हाफिज़।